अपनी हॉट अदाओं से लोगों को दीवाना करने वाली सनी लियोनी आए दिन किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। वहीं अब एक बार फिर वो चर्चा में आ गई हैं। दरअसल सनी के कर्नाटका में हो रहे कार्यक्रम पर रोक की मांग की गई है। जी हां, कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदर्शन किया, सनी के पुतले तक जला डाले और दावा किया कि कार्यक्रम कन्नड़ संस्कृति के खिलाफ है। मेंबर्स ऑफ कर्नाटका रक्षाना वैदिक युवा सेना के अध्यक्ष हरीश ने कहा कि हमने कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया है, ये बस एक कार्यक्रम की बात नहीं है, मामला कहीं ज्यादा है। अभिनेत्री इतिहास पर आधारित दक्षिण भारत के एक महिला योद्धा पर बनने वाली एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी। उनकी तरह की एक अभिनेत्री को कैसे एक महान महिला का किरदार निभाने दे सकते हैं जो सबके लिए पूजनीय है। आपको बता दें, सनी साउथ की फिल्म विराम देवी से डेब्यू करने वाली हैं। ये एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है और रिलीज से पहले ही वो आए दिन कंट्रोवर्सी में फंसती चली जा रही है। 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी डब की जाएगी। इस फिल्म के लिए सनी ने काफी मेहनत की है। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।